आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं और माणपसा गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। तो आज है माणपसा गुरुवार की लास्ट पाली यानी कि लास्ट थर्सडे है और आज इस महीने की लास्ट पूजा है। तो मैं ससुराल जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो इसलिए बस नहीं गई। तो जितना जो कुछ भी आता है मुझे, मैंने वैसे पूजा करने की कोशिश की है, यहाँ पे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो पहली बार जैसे किया था वैसे ही भगवान जी को सुबह सुबह उठ के नहा धो के मैंने भगवान जी को यहाँ पे बिठा दिया है, माता लक्ष्मी को, और इस साइड में कलश की स्थापना की है। और ये प्रातःकाल ही पूजा होता है, तो भोर सुबह मैं उठ गई थी 3:30 बजे और पूजा मेरा हो रखा था 4:30 या 5 बजे के आसपास। मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी जो कि लास्ट पाली है, तो हमारे यहाँ बहुत सारा पीठा बनता है और भोग लगाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पीठा बनता है। तो जितना मुझसे हो पाता है उतना करने की मैं कोशिश करती हूँ और ये सारा रिचुअल्स मुझे फॉलो करना दिल से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। तो जितना मुझसे हो पाया थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे किया है। तो पूजा जैसे कि माणव बिठाया जाता है वो सारा कुछ तो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ, माणवसा लक्ष्मी पुराण की बुक को पूजा करती हूँ, उसे पढ़ती हूँ और जैसा भी थोड़ा बहुत पूजा होता है वो कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह पहले माता को बिठाए और फिर बाहर जाके माँ को आवाहन किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे आवाहन कर लिया और उसके बाद माता जी का पूजा किया जाएगा। पहले भोग लगता है बाल भोग, तो यहाँ पे बाल भोग पे मैंने यहाँ पे लगाया है छेना और केला और उसके बाद ही सारा पीठा और अन्न भोग की तैयारी किया जाएगा और उसके बाद भोग लगेगा। संपन्न हो चुकी है जो प्रातःकाल में होती है, माता जी को मैंने अच्छे से बिठा लिया है। अभी मैं किचन में जाऊंगी और सारा भोग का प्रिपरेशन करूंगी। और ये सारा जो झोटी देख रहे हैं ये बहुत मेहनत लगता है यार, मुझे आता नहीं है इतना, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। ये सारा कुछ मैंने रात को बनाया था, तो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना। कोशिश करती हूँ ये सारा रिचुअल्स ट्रेडिशन फॉलो करने की, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सारा कुछ। तो पूजा करते करते लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है और पूजा करने से पहले मैं नहा धो के किचन में आके बना लेती ये जो जौंतणी होता है पीठा बनाने के लिए, ये बना ली थी और स्टफिंग बनाने के लिए नारियल को भी भून ली थी।
तो ये सारा कुछ करके आधा अधूरा काम करके मैंने जाके फिर पूजा की, और पूजा करने के बाद यहाँ पे आके मैंने पीठा भी आधा अधूरा बना लिया है और थोड़ा बहुत बाकी है, अभी इसे मैं तलूँगी। और एक साइड में मैंने यहाँ पे बिठा लिया है खीर, क्योंकि खीर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। एक साइड में ये बिठेगा और दूसरे साइड में आधा कुछ मैं करती रहूँगी। तो ये सारा कुछ पीठा मैंने लगभग बना लिया है, और पीठा बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, कभी कभी बनाते हैं बस इसीलिए। तो यहाँ पे सारा पीठा मैं तल लूँगी। मेरे ससुराल में जो जो भी पीठा बनता है, मुझे जो जो भी पता है थोड़ा बहुत, वो करने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सब कुछ तो मैं कर नहीं पाऊँगी, लेकिन जितना मुझे आता है वो सारा कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया है उड़ीसा ऑथेंटिक काकेरा पिट्ठा, मोंडा पिट्ठा एंड बड़ा बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा पूजा किया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी पकौड़े बनाऊँगी, वो भी पूजा किया जाता है। फिर चौकुली वो बनाऊँगी, और खीर है, उसके साथ ही अन्न भोग में हमारा लगता है दही भात, जो दही के साथ अन्न को डाल के दही भात, फिर खिचड़ी, और फिर अम्बीड़ो, ऑथेंटिक जो सारे भी डिशेस है वो बनाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। पता है इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश से ही इंसान का सब कुछ कायम होता है। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश की है सारे रिचुअल्स ट्रेडिशन जैसे मेरे ससुराल में होता है वो सारा कुछ फॉलो करने की। थोड़ी बहुत मुझे आती थी लास्ट ईयर जो गई थी, देखा था, जो दो तीन बार गई हूँ देखा है, और थोड़ी बहुत मैं अपनी जेठानी को पूछ पूछ के कर लेती हूँ, वो भी इजीली सब कुछ मुझे बताती है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आम्बेड़ा, दही भात, और उसके साथ चौकुड़ी, फिर मैंने बनाया था मूंग दाल, और यहाँ पे है हमारा खीर, और चावल भी बनाया था थोड़ा सा, और पीठा में है ऑथेंटिक काकेरा पीठा, मंडा पीठा, बड़ा और पकौड़ी। तो बस यही बनाई थी आज भोग के लिए। बनाने में बहुत थोड़ा सा टाइम लग गया, लगभग 11:30 हो चुका था। ससुराल में तो हम लोग सब कोई एक साथ मिलके बना लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लेट हो गया मुझे। तो कोई नहीं, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ माता जी को भोग लगाने के लिए, अन्न भोग लगाने के लिए, और इसके साथ ही मेरा इस साल का माणवसा का पूजा संपन्न होता है, क्योंकि ये लास्ट गुरुवार था। और आशा करते हैं कि माँ सबको आशीर्वाद बनाए रखे सबके ऊपर, सबका घर धन धान्य से पूरा रखे, और अगले साल माणवसा जल्दी से आए और हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। तो इसके साथ मेरा आज का ये ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।